बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन एंड लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन फ्रॉम डायोफेंटाइन इक्वेशन डायोफेंटाइन सिमिलर टू एल्जेब्राइक इक्वेशंस और इसका हम सोल्यूशन एक बार निकालते हैं ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्विकली टेल यू अबाउट माई सेल्फ माई नेम इज राहुल रोहिला आई एम अ बी टेक फ्रॉम डेही कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग विद मोर देन फोर इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस

फ्रॉम ऑल द स्टेट्स इन इन दिस पर्टिकुलर मंथ नवम्बर में हम सारे स्टेट्स कवर करेंगे और उनके सारे पास्ट ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे इसके अलावा मैं लर्न हट के बेसिकली uh, लर्न हट के जिसमें हम ओलम्पियाड की स्टडी करते हैं छः बजे शाम को मंडे वेंसडे एंड फ्राइडे ये तीन दिन में आता हूँ इसके अलावा आयो क्यू एम हम पास्ट ईयर क्वेश्चन की डिस्कशन करते हैं छः बजे ट्यूजडे थर्सडे एंड सैटरडे को और ट के स्पेशल्स हमारा होता है साढ़े आठ बजे रोज मंडे टू सैटरडे लर्न हट के स्पेशल में हम बेसिकली ऐसे टाइप की प्रॉब्लम्स जैसे आज हम करने वाले हैं ऐसे टाइप की प्रॉब्लम्स हम करते हैं ठीक है और अगर आप ये सारी प्रॉब्लम्स और ये सारी स्टडी एक और स्ट्रक्चर्ड और अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो आप अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अन अकेडमी के सब्सक्रिप्शन में आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी इसमें इंट्रैक्शन करने का मौका मिलेगा टीचर के साथ प्लस आप लीडर बोर्ड में आ सकते हैं आप क्विजेस खेल सकते हैं आप मेंटी क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपनी रैंकिंग भी देख सकते हैं और आप टेस्ट बहुत सारे दे सकते हैं और उन टेस्ट को एनालाइज कर सकते हैं और सबसे बढ़िया बात है कि हर तीसरे सेशन के बाद आपका एक डाउट क्लियरिंग सेशन होता है उसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाते हैं और इसके अलावा बाकी सारे डाउट्स क्लास के अंदर भी लाइव एजुकेटर या टीचर आपका सॉल्व करता है क्लासेस इस तरह से कुछ होती हैं बहुत ही बढ़िया अमेजिंग प्लेटफॉर्म है यहाँ पे मैं यहाँ पे सारे बच्चों की चैट्स होती हैं यहाँ पे क्वेश्चन का अलग से एक टैब होता है जो भी आप मेरे से क्वेश्चन पूछेंगे मैं उसका आंसर आपको करता रहूँगा यहाँ पे मैं अपनी स्क्रीन होती है सो इट्स अमेजिंग प्लेटफॉर्म बहुत ही मज़ा आता है इट्स सुपर फन तो अगर आपको अन का सब्सक्रिप्शन लेना है तो ऐप डाउनलोड करिए उसके बाद uh, गो टू अपना गोल गोल आप सेलेक्ट करिए नाइन टेंथ सी बी एस सी एन टी एस सी जो भी है then you can click on plus और उसके बाद आप सब्सक्रिप्शन वाले पेज पे आ जाएंगे आप बारह महीने का चौबीस महीने का या थर्टी सिक्स मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं नाइन टेंथ इलेवेंथ ट्वेल्थ कोई भी क्लास हो अगर आप टेंथ में है तो आप दो साल का ले सकते हैं नाइन्थ में तो आप तीन साल का भी ले सकते हैं अब इसकी कॉस्ट बहुत ही नॉमिनल सी बहुत ही कम सी कॉस्ट है बाईस हजार पांच सौ दो साल की कॉस्ट है तेरह हजार पो एक साल की आ, की कॉस्ट है और अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं इफ यू यूज द कोड रोहिला और इसके अलावा एक और बेहतरीन सब्सक्रिप्शन है जिसका नाम है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन इसमें आपको एक पर्सनल गाइड पर्सनल मेंटोर मिलता है जो आपको बेसिकली बताता है कि आपको किस हिसाब आप से पढ़ाई करनी है आपका टाइम टेबल स्टडी प्लानर आपको कौन से एग्जाम की तैयारी कब से शुरू करनी है पूरी गाइडेंस अन का एक पर्सनल ट एक पर्सनल टीचर आपके साथ होता है तो ये भी एक बहुत ही फंटेबल तरीका है अपनी स्टडीज और अपनी रैंकिंग को इम्प्रूव करने का इसमें आपको क्रिएटिव कॉर्नर भी मिलता है जिसमें आप आ, बहुत सारी क्रिएटिव चीजें जैसे पेंटिंग अगर आपको कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना है गिटार बजाना है फोटोग्राफी वीडियो मेकिंग ये सारे कोर्सेज भी होते हैं जो आप फ्री में एक्सेस कर सकते हैं अगर आपके पास आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है तो इसका कॉस्ट आपकी स्क्रीन पर है और अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे रोहिला टेन गेट अ एक्स्ट्रा टेन परसेंट डिस्काउंट ओके तो चलिए लेट्स लुक एट दिस प्रॉब्लम जो हमारा ये प्रॉब्लम है द प्रॉब्लम सेज सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेश आपके पास दो है यहां पर इन दोनों को सॉल्व करना है ठीक है तो सबसे पहले तो मैं आपको हिंट दे देता हूं कि इसको कैसे सॉल्व करना है हिंट के लिए सबसे पहले फर्स्ट हिंट है कि भाई इनको ऐड कर लो इनको सब्ट्रैक्ट कर लो और फिर रीअरेंज करके फैक्टराइज कर लो ठीक है यही तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपके पास दो इक्वेशन है दोनों को सॉल्व करना है तो अभी आप वीडियो पॉज कर सकते हैं यू कैन ट्राई इट योर इफ यू गेट इट ऑसम वरना आई देयर टू हेल्प यू आउट ओके चलिए आई होप सम ऑफ यू हैव इट चलते हैं सोल्यूशन के ऊपर सबसे पहले हमारे पास ये दो इक्वेशंस हैं इन दोनों इक्वेशंस को मैं सिंप्लीफाई करके लिख लेता हूं एक बार तो फर्स्ट आई विल राइट ये वाला इक्वेशन है सो दिस विल बी एक्स वाई स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस वाई स्क्वायर माइनस सिक्स टू स्क्वायर वाई प्लस वाई और नीचे वाला अगर मैं सॉल्व करूंगा तो आई विल गेट एक्स स्क्वायर वाई प्लस सिक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स ठीक है अब मैं क्या कर सकता हूं दोनों इक्वेशंस को एक बार एड कर लेता हूं देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। इफ माइनस सिक्स इक्वल टू यहां पर मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई और प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स जो भी कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करिए जैसे ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं ये दोनों भी कैंसिल हो रहे हैं सो लेट्स कैंसिल देम जब हमने कैंसिल कर लिया तो देखते हैं कि यार अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं ठीक है तो मेरे पास यहां पे बचा सिक्स एक्स और यहां पे एक और एक्स है है ना यहां पे सिक्स वाई है यहां पे एक और वाई है यहां पे माइनस सिक्स माइनस सिक्स माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर सारे टर्म्स को मैं रीअरेंज करके लिखूंगा और मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस फाइव वाई प्लस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो ठीक है मैंने सारे टर्म्स को एक साथ अरेंज करके लिख लिया है अब अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा मेरे पास x की दो टर्म्स है y की दो टर्म्स है इन दोनों को मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करूंगा अब जैसे ये किसका परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा x माइनस फाइव बाई टू का होल स्क्वायर लेकिन हमें इसमें क्या ऐड करना सब करना पड़ेगा माइनस ट्वेंटी फाइव बाई फोर है ना सिमिलरली अगर आप इसको देखेंगे दिस इज ऑल्सो फाइव माइनस वाई बाई टू वाई माइनस फाइव बाई टू का होल स्क्वायर और सबट्रैक्ट करना पड़ेगा ट्वेंटी फाइव बाय फोर तो फाइनली जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या इक्वेशन आएगा आपके पास आएगा एक्स माइनस फाइव बाय टू का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस फाइव बाय टू का होल स्क्वायर इक्वल टू वन बाय टू है ना ये हो जाएगा फिफ्टी बाय फोर ये फोर्टी एट बाय फोर तो दिस विल बी टू बाई फोर वन बाय टू हो जाएगा तो यह मेरे पास एक पहला रिजल्ट आया इसका हम यूज करेंगे अभी मैंने दोनों इक्वेशंस को एड किया अगर मैं दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करता तो मेरे पास क्या रिजल्ट आता ठीक है एक बार वो भी देख लेते हैं अगर मैंने दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा तो अगर मैंने दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट किया तो ये दोनों सब होंगे तो बेसिकली एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई ये दोनों सब होंगे प्लस सिक्स एक्स माइनस सिक्स वाई ये दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे सो यू विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस सिक्स एंड माइनस सिक्स सब करोगे तो जीरो आएगा ऑन दिस साइड यू विल गेट एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स ठीक है अब यहां से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं या फिर सारे टर्म्स को एक साथ एक तरफ लिख लीजिए राइट एवरीथिंग टुवर्ड्स वन साइड तो मैं सारे टर्म्स को एक साथ एक तरफ लिख लेता हूं तो मेरे पास आएगा भाई एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई सिक्स कॉमन ले लेते हैं आ जाएगा माइनस दिस इज स्क्वायर माइनस स्क्वायर एंड टेक दिस टू दिस साइड तो यू विल गेट प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो ठीक है अब मैं सब में से जो कॉमन आ रहा है मैं कॉमन लेने की कोशिश करता हूं सो आई विल ट्राई टू टेक थिंग्स कॉमन फ्रॉम एवरीवेयर तो यहां से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं यहां से मैं एक्स वाई कॉमन ले सकता हूं तो बचेगा वाई माइनस एक्स यहां से मैं ऑलरेडी uh, मैंने एक्स माइनस वाई को कॉमन लिया हुआ है याद या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को लिख सकता हूं एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई यहां से मैं एक्स वाई कॉमन ले सकता हूं आई कैन राइट दिस एज वाई माइनस एक्स और लास्ट इज x- माइनस वाई इक्वल टू जीरो ठीक है अब मैं सब में से x- माइनस वाई कॉमन लेने की कोशिश करूंगा अगर मैंने सब में से x- माइनस वाई लेने की कोशिश करी तो यहां पे क्या बचेगा माइनस लेना पड़ेगा तो माइनस एक्स वाई आएगा यहां पे बचेगा सिक्स यहां पे बचेगा x+ प्लस वाई यहां पे बचेगा माइनस एक्स वाई और यहां पे बचेगा अगर ये पूरा कॉमन ले लिया तो वन तो यहां पे मेरे पास क्या रिजल्ट आता है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं लेट्स सिंप्लीफाई दिस एंड सी व्हाट वी गेट तो आई गेट एक्स माइनस वाई इन टू हो जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस टू एक्स वाई प्लस सेवन इक्वल टू जीरो अब यहां से मेरे पास क्या रिजल्ट आ रहा है या तो भाई ये जीरो हो सकता है या फिर ये जीरो हो सकता है दोनों में से कोई भी एक जीरो हो सकता है ठीक है तो चेक करते हैं एक बार अगर मान लीजिए पहला पार्ट व्हिच इज बेसिकली ये अगर x y इज इक्वल टू 0 तो वहां से मेरे पास आएगा कि भाई x इज इक्वल टू y और अगर x और y इक्वल है तो आपकी इक्वेशन नंबर 1 है इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 1 को देखिए अगर x और y बराबर है, तो y को मैं डाल दूंगा x तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा एक्स माइनस फाइव बाई टू का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस फाइव बाई टू का स्क्वायर तो मेरे पास आ जाएगा भाई टू टाइम्स एक्स माइनस फाइव बाई टू का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू वन बाई टू टू को उस तरफ लेके जाइए आ जाएगा एक्स माइनस फाइव बाय टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाय फोर दोनों तरफ स्क्वायर रूट लीजिए आ जाएगा x माइनस फाइव टू इक्वल टू प्लस माइनस वन बाई टू तो x आ जाएगा भाई फाइव बाई टू प्लस माइनस वन बाय टू तो यहां से मेरे पास एक्स की दो वैल्यूज आ रही है एक वैल्यू आ रही है प्लस लेता हूं तो थ्री माइनस लेता हूं तो टू so तो आई गेट टू वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई तो एक्स और वाई इक्वल है है ना तो मेरे पास दो आंसर आ रहे हैं एक आ रहा है टू कॉमा टू एक्स और वाई बराबर है एक आ रहा है थ्री कॉमा थ्री सो दो सोल्यूशन मेरे पास यहां पे आ गए ठीक है अब चलते हैं और सोल्यूशन देखते हैं लेट्स लुक एट मोर सोल्यूशन और इसके क्या सोल्यूशन हो सकते हैं ठीक है तो एक बार वो भी देख लेते हैं अब और सोल्यूशन देखने के लिए मैं क्या करूंगा हमने बोला हमने क्या बोला यार हमने बोला बेसिकली कि ये वाला पार्ट जीरो है अब ऐसा भी तो हो सकता है कि ये वाला पार्ट भी जीरो हो है ना हमने फर्स्ट केस लिया कि भाई ये जीरो हो सकता है सेकंड केस क्या लेंगे क्या पता ये जीरो हो है ना व्हाट से इफ दिस इज जीरो तो इसको ट्राई करते हैं एक बार तो वंस आई ट्राई दिस ठीक है मैं एक नया स्क्रीन ले लेता हूं मेरे पास क्या रिजल्ट था मेरे पास रिजल्ट था एक्स प्लस टू जीरो अब यार मुझे इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा ठीक है hmm. और इन क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन इज द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट तो आपको देखना पड़ेगा इसको कैसे मैं फैक्टराइज कर सकता हूं ठीक है यहां पे मेरे पास x है टू एक्स वाई अगर मैंने दोनों में से एक्स uh, कॉमन लिया मेरे पास आ जाएगा टू वाई प्लस वन ओके बट यहां तो मेरे पास आ जाएगा एक्स बाई टू प्लस वाई बाई टू माइनस एक्स वाई प्लस सेवन बाई टू अब मैं क्या करूंगा सबको राइट हैंड साइड में लेके चला जाऊंगा आई विल टेक एवरीथिंग टू राइट हैंड साइड तो मेरे पास आएगा भाई एक्स वाई माइनस एक्स बाई टू माइनस वाई बाई टू माइनस सेवन बाई टूल टू जीरो अब अगर मुझे इसको फैक्टराइज करना है तो कॉमन लेने के बाद ये आंसर आना चाहिए y माइनस हाफ ठीक है तो मैं बेसिकली इस वाले पार्ट में क्या करूंगा इस वाले पार्ट में मैं माइनस वन बाय टू सब्ट्रैक्ट करूंगा और फिर क्या करूंगा या फिर वन बाय फोर ले लेते हैं माइनस वन बाय फोर सब्ट्रैक्ट करूंगा और माइनस वन बाय फोर एड करूंगा उससे क्या होगा सर उससे बेसिकली क्या होगा अगर मैंने ये लिया और प्लस वन बाय फोर लिया दोनों में से माइनस वन बाय टू कॉमन ले लीजिए तो आपके पास क्या आएगा वाई माइनस वन बाय टू है ना और उस तरफ ले जाइए सेवन बाय टू प्लस वन बाय फोर तो ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा फिफ्टीन बाय फोर और यहां से आप एक्स माइनस वन बाय टू लिख सकते हैं वाई माइनस वन बाय टू लिख सकते हैं एंड दैट विल बी इक्वल टू फिफ्टीन बाय फोर तो आपके पास एक और रिजल्ट ये आ गया वेरी नेक्स्ट nice. है ना नाउ थिंग्स आर वर्किंग आउट कुछ हो सकता है ठीक है x minus 1 by 2 into y minus 1 by 2 is equal to 15 by 4. ठीक है? अब इसको कैसे सॉल्व करें सर? इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3. तो मेरे पास एक ये रिजल्ट आया हुआ है. मेरे पास एक ये रिजल्ट आ, ये वाला रिजल्ट है. इसको भी हमें यूज़ करना है. तो इसको एक बार देख लेते हैं इसको कैसे यूज़ किया जाए? है ना? ओके। अब इसको मैं आगे सॉल्व करने के लिए क्या करूंगा इसको मैं मान लूंगा अगर मेरे पास है कि भाई अगर मुझे गिवन है कि भाई x माइनस फाइव बाई टू का स्क्वायर प्लस y माइनस फाइव बाई टू का स्क्वायर इज इक्वल टू इसके बराबर है 1 बाय टू के है ना तो मान लीजिए x माइनस फाइव बाई टू को a और y माइनस फाइव बाई टू को मान लीजिए b तो ये बेसिकली क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाय और ये क्या हो गया एक्स माइनस वन बाय टू अगर एक्स माइनस फाइव बाय टू ए है अगर मैं इसमें टू ऐड करता हूं तो मेरे पास एक्स माइनस वन बाय टू आ जाएगा तो ये बेसिकली क्या है ए प्लस टू इंटू ए बी प्लस टू बी प्लस टू इक्वल टू फिफ्टीन बाय फोर ठीक है ओके नाउ वी आर गेटिंग समवेयर हम कुछ कर सकते हैं अब हमारे पास ये दो इक्वेशन आ गई ठीक है इसको इक्वेशन नंबर फोर मानिए एंड दिस इज इक्वेशन नंबर फाइव ठीक है दो इक्वेशन आ गए, अब इन दोनों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं सबसे पहले मैं क्या करूँगा मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूं और इसको देखते हैं इससे क्या आंसर आ सकता है मल्टीप्लाई किया मैंने इसको तो मेरे पास आएगा ए बी प्लस टू टाइम्स ए प्लस बी इज इक्वल टू और प्लस फोर भी आएगा फोर को उस तरफ ले जाएंगे तो आ जाएगा माइनस वन बाय फोर ठीक है और दूसरी इक्वेशन मेरे पास क्या थी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यह किसके बराबर है फिफ्ट, आ, वन टू के. अब मैं क्या करूंगा अब यहां पे अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है अगर साथ में टू ए बी हो तो मजा आ जाएगा लेकिन यहां पर तो ए बी है तो इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं टू से अगर मैंने इसको टू से मल्टीप्लाई किया मैं यहां लिख देता हूं मेरे पास आ जाएगा टू ए बी प्लस फोर टाइम्स ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू और नीचे क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वल टू वन बाई टू दोनों को ऐड करो दोनों को ऐड किया तो आ जाएगा भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस फोर टाइम्स ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो यहां से मैं लिख सकता हूं कि भाई ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस फोर टाइम्स ए प्लस बी इक्वल टू जीरो अब यहां से मैं ए प्लस बी कॉमन ले सकता हूं तो मेरे पास बचेगा ए प्लस बी प्लस फोर इक्वल टू जीरो समझ आया तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि भाई या तो ए प्लस बी जीरो है या फिर ए प्लस बी किसके बराबर है माइनस फोर के ठीक है ओके सर और अब क्या करते हैं इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं लेट्स सब्ट्रैक्ट दिस इक्वेशन लेट्स दिस इक्वेशन नंबर सिक्स दिस इज सेवन अगर मैंने सिक्स माइनस सेवन किया तो क्या आएगा मेरे पास इक्वेशन सिक्स माइनस इक्वेशन सेवन मेरे पास आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस फोर टाइम्स ए प्लस बी इक्वल टू वन बाय फोर सॉरी इक्वल टू वन ठीक है और इसको मैं क्या लिख सकता हूं इसको मैं लिख सकता हूं ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस फोर टाइम्स ए प्लस बी इक्वल टू वन ठीक है अब अब अपना रिजल्ट देखते हैं यार अब देखो अगर ए प्लस बी का वैल्यू है माइनस फोर यह वैल्यू यहां डालिए ए प्लस बी का वैल्यू माइनस फोर है तो अगर इसका वैल्यू डाला माइनस फोर माइनस फोर इंटू माइनस फोर प्लस सिक्सटीन 16 को उस तरफ लेके गए माइनस सिक्सटीन वन माइनस सिक्सटीन कितना हो जाएगा माइनस फिफ्टीन तो हमारे पास बचेगा कि भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फिफ्टीन यह तो पॉसिबल है ही नहीं बिकॉज स्क्वायर ऑफ समथिंग कैन नेवर बी नेगेटिव तो मतलब ये वाला केस हम नहीं लेंगे दिस केस वी विल नॉट टेक तो इसका मतलब क्या पॉसिबिलिटी है कि भाई a प्लस बी का सम इज इक्वल टू जीरो समझ आ गया कि भाई ए प्लस बी का सम इज इक्वल टू जीरो और अगर मैंने यहां पे पर वैल्यू हो नहीं सकता क्योंकि अगर माइनस फोर डालोगे तो इस तरफ स्क्वायर होगा उस तरफ समथिंग नेगेटिव होगा जो पॉसिबल नहीं है तो मतलब यही पॉसिबल वैल्यू हो सकती है तो अगर ए प्लस बी को जीरो डाला यहां पर तो मेरे पास आ जाएगा भाई ए माइनस बी का होल स्क्वायर ज इक्वल टू वन तो यहां से मेरे पास आ जाएगा कि भाई ए माइनस बी इज इक्वल टू प्लस माइनस वन तो एक इक्वेशन ये है एक इक्वेशन ये है दोनों को सोल्व करिए तो मेरे पास एक इक्वेशन आया कि भाई ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो एंड ए माइनस बी क्या है प्लस माइनस वन अगर आप सोल्व करते हैं इसको तो ए और बी की क्या पॉसिबल वैल्यूज आ सकती है अगर आपने प्लस लिया तो ए आ जाएगा 1 by 2 और b आ जाएगा minus 1 by 2 और अगर एक बार आपने माइनस लिया तो a आ जाएगा minus 1 by 2 b आ जाएगा 1 by 2 अब यहां से आप आ, x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं ना क्योंकि हमने x और y को क्या माना था what was my x एंड y आप देखेंगे अगर यहां पे तो मैंने x minus 5 by 2 को a माना था y minus 5 by 2 को b माना था है ना मैंने क्या बोला था x माइनस फाइव बाय टू इज ए एंड माइनस फाइव बाय टू इज बी एक्स क्या हो जाएगा ए प्लस फाइव बाय टू ए क्या है ए की पॉसिबल वैल्यू या तो वन बाय टू है या माइनस वन बाय टू है वन बाय टू डाली तो आ जाएगा थ्री और अगर माइनस वन बाय टू डाली तो आ जाएगा टू सिमिलरली वाई की क्या पॉसिबल वैल्यूज हैं तीन और दो है ना तो पॉसिबल सोल्यूशन क्या क्या होंगे पॉसिबल सोल्यूशन दो दो जो हमने पहले निकाला था स्टार्टिंग में अगर आपको याद हो दो दो तीन तीन और दो तीन एंड थ्री टू सो दीज आर दॉसिबल सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन एंड आवर क्वेश्चन इज सॉल्व मजा आया सो दिस वॉज अ ऑस्ट्रेलियन नेशनल मैच ओलंपिया प्रॉब्लम ऑस्ट्रियन सॉरी एंड ये हमारे आई एन एम ओ जैसा होता है इसी तरह की प्रॉब्लम अच्छे से एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़नी है तो आपको अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेना होगा अगर आपको आईओ क्यू एम का एग्जाम या फिर एन टी एस सी या फिर कोई भी ओलंपियाड का एग्जाम क्रैक करना है इवन बोर्ड एग्जाम्स अगर आपको उसमें अच्छे नंबर लाने हैं तो आपको जरूर अनअकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से आपकी पढ़ाई होगी आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे आप अपनी रैंक अपनी स्टैंडिंग uh, देख सकते हैं आपको कितना समझ आ रहा है और इससे आप अपनी स्टडीज को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं तो अगर आपको अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप डाउनलोड करके प्लस अपना गोल सेलेक्ट करिए फिर प्लस पे क्लिक करिए फिर आपके पास ये सब्सक्रिप्शन पेज आएगा आप हो में हो टेंथ में हो इलेवेंथ में हो ट्वेल्थ में हो कोई भी क्लास में हो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं जितना बड़ा सब्सक्रिप्शन लेंगे उतना आपको ये सस्ता पड़ेगा ठीक है और अगर आप मेरा यूज करते हैं कोड रोहिला टेन तो आपको टेन परसेंट एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा है ना तो अगर बाईस का अगर कोर्स है चौबीस महीने का कोर्स है बाईस का इस पर टेन डिस्काउंट लाएंगे तो ये आपको ऑलमोस्ट बीस हजार का पड़ जाएगा दो साल का सो इट्स वेरी चीप एंड वेरी गुड फॉर यू बेस्ट टीचर्स है इस प्लेटफॉर्म पे जो आपकी सारी पढ़ाई से रिलेटेड चीजें करवाएंगे है ना तो so देर किस बात की लेट्स रॉक द स्टडीज फुल जोश के साथ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको एक मेंटोर भी मिलेगा जो आपकी हेल्प करेगा आपको गाइड करेगा आपको स्टडी प्लानर बना के देगा जिससे आप अपने सारे डिफिकल्टीज यू नो दूर कर सकें ठीक है चलिए ऑल्सो गाइज अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं यू कैन डाउनलोड टेलीग्राम ऐप और ये मेरा लिंक है इस लिंक को अगर आप गूगल क्रोम में या ब्राउजर में टाइप करेंगे, ये है, इसको टाइप करेंगे तो एकदम से मेरा पेज खुल जाएगा एंड यू कैन फॉलो मी देर फॉर न्यू वीडियोज कब आती है कहाँ आती है और रोहिला टेन कोड मत भूलना यार यूज दिस कोड टू गेट टेन परसेंट एक्स्ट्रा डिस्काउंट देर आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगली बार बाय बाय टेक केयर एंड सीव